ड्राइविंग करते समय हमें चौकन्ना रहना पड़ता है, क्योंकि सड़क पर हम अकेले ही ड्राइविंग नहीं करते, बल्कि दूसरे भी वाहन होते हैं जो सड़कों पर दौड़ रहे होते हैं। उन सब के बीच में केवल एक व्यक्ति के रूल फॉलो करने से कुछ नहीं होता। अगर हम आंख बंद करके नियम का पालन ही करते रहेंगे और सामने वाला नियम का पालन नहीं करेगा तो भी दुर्घटना होगी। ऐसी स्थिति में हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए और परिस्थिति के हिसाब से ही एक्शन लेना चाहिए। इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आप देखेंगे कि सड़क पर आपको एक बस आती हुई दिखाई दे रही है। अचानक ये बस रुक जाती है। ठीक उसी वक्त बस के पीछे से एक ट्रक आता है और ठीक उसी समय ऑपोजिट साइड से यानी सामने की तरफ से एक पिकअप आती है। अब स्थिति कुछ यूं है कि सड़क पर किनारे पर एक बस खड़ी है और आमने सामने से ट्रक और पिकअप आ रहे हैं और आप नतीजा देख सकते हैं। स्पीड में आती हुई वो पिकअप ट्रक से टकरा जाती है और किस तरह से वाहनों के परखच्चे उड़ते हैं। वहां खड़ा एक शख्स भी इस हादसे की चपेट में आ जाता है। यह हादसा क्यों हुआ? सबसे पहली चीज कि बस चालक ने अचानक ही बस को सड़क पर रोक दिया। जब भी हम अपना वाहन सड़क पर इस तरह से खड़ा करते हैं तो हम ये जानते हैं कि हमें वाहन सड़क से नीचे उतारकर थोड़ा साइड में खड़ा करना चाहिए, जिससे सड़क पर आने जाने वाले दूसरे वाहनों को दिक्कत ना हो। दूसरी चीज, जब पिकअप ने सामने से देखा कि बस रुक चुकी है और उसके पीछे से ट्रक आ रहा है तो पिकअप चालक को भी चाहिए था कि वो थोड़ा सा रुकता, अपनी स्पीड को कम करता, लेकिन उसने ये मुनासिब नहीं समझा। वो पूरी गति से सामने की तरफ बढ़ता रहा। गौर से देखने पर आप पाएंगे कि ट्रक चालक ने जब ये भांप लिया कि पिकअप सामने की तरफ तेजी से आ रही है, रुकने वाली नहीं, तो उसने अपने ट्रक को टर्न भी किया, लेकिन बावजूद इसके भी ये टक्कर हुई, क्योंकि जब तक ट्रक चालक ट्रक को टर्न करके साइड में लाता तब तक पिकअप उससे टकरा चुकी थी। कभी भी यदि इस तरह की स्थिति सड़क पर आए, आप देखें कि सड़क पर कोई वाहन खड़ा हो गया है, स्थिति कंजेस्टेड है, तो आपको ही चाहिए कि आप अपने वाहन को रोक दें या स्पीड को एकदम कम कर लें। आगे निकलने की जल्दी बिल्कुल ना करें, जल्दबाजी आपके लिए घातक साबित हो सकती है।